एक ने मांगी माफी वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। समझ रहे हैं आप? जिसने माफी मांगी वो था सावरकर, और जिसने सलवार उठाई वो था आपका बाबा रामदेव। आपका भाई कभी बनाया बीसीसीआई में सेक्रेटरी या सचिव, कोई आस पड़ोस रिश्तेदार में बनाओ? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि इनके और मेरे पप्पा देश के गृह मंत्री नहीं है, लेकिन जैसा के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं। समझ रहे हैं? जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं, जिस कारण जैसा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता है। हर एक मुद्दे पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर प्रकार की डिबेट में आपको नजर आने वाला हराम का खाने वाला, 24 घंटे मोदी मोदी रटने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बनने वाला संबित पात्रा ये नजर आएगा आपको। वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज चैनल पे, उसकी आंखें नहीं खुलती, उसकी तो आंखें खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर, ऐसे कर कर, अरे ऐसे ऐसे कर कर, यूं टांग पर टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपये पेट्रोल चाहिए? किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपये पेट्रोल देगा उसे देंगे या 70-80 रुपये वाले को देंगे? अबे भैया काणे, एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है क्या? भारत देश को लूटने वाले कह रहे हैं सोने की बना दूंगा। इनों के पास एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं। उस अमित शाह से ये तो पूछो कि भाई एक बात तू हमें बता कि देश को लुटवाने वाला कौन था? देश की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ के आए हो आप? आपने इतिहास पढ़ा है देश का? देश को लूटने ही वाले ये लोग हैं, सोने का कहाँ से बना दोगे? आप एक बात मुझे बताओ, आपका भाई कभी बना है बीसीसीआई में सेक्रेटरी या सचिव, कोई आस पड़ोस रिश्तेदार में बनाओ? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि इनके और मेरे पप्पा देश के गृह मंत्री नहीं हैं, लेकिन जैसा के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं। समझ रहे हैं? जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं, जिस कारण जैसा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता है। 24 घंटे हराम का खाने वाला, और 24 घंटे जैसे एक साधु महात्मा राम राम जपता है, ये हराम का खाने वाला 24 घंटे सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली टीवी डिबेट में और रात के 10 बजे तक की टीवी डिबेट में हर एक मुद्दे पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर प्रकार की डिबेट में आपको नजर आने वाला हराम का खाने वाला, 24 घंटे मोदी मोदी रटने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बनने वाला संबित पात्रा ये नजर आएगा आपको। ये वो लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आपके खानदान में है जितने पत्रकार हैं, आपके खानदान में से कोई बना है बीसीसीआई में सचिव? वो इसलिए नहीं बना भाई, आप तो बोलते ही नहीं है मुझसे, क्योंकि आपके गले में और कुछ नेशनल मीडिया के पत्रकारों के गले में तो फेविकोल मरीन का मजबूर जोड़ अटक गया है, जो पानी में भी नहीं टूटता। समझ रहे हैं? वो सत्ता की दलाली का जोड़ है, वो पैसे के दम पर इतना मजबूत हो गया कि वो पानी में भी नहीं टूट रहा है आपका। एक बात मुझे बताइए, अमित शाह जी देश को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, लुटवाने वाले भी तो आप ही थे। ये वो लोग हैं जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों से लोहा लड़ रहा था, ये अंग्रेजों को सलाम ठोक रहे थे। एक ने उठाई, एक ने मांगी माफी वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। समझ रहे हैं आप? जिसने माफी मांगी वो था सावरकर, और जिसने सलवार उठाई वो था आपका बाबा रामदेव। समझिए आप देश को। तो ये देश के अंदर देश का किसान है, ये माफी मांगने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कल को हमें कहते कि हमने भड़काऊ बयान दे दिया। इनों पे दिमाग पता नहीं कहां कहां से आता है, ये कहां कहां से पढ़ के आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ज़्यादा लंबी चौड़ी डिग्री मत दिखाओ अपनी, 8वीं की डिग्री दिखा दो, 8वीं पास की, ज़्यादा लंबी चौड़ी मत दिखाओ आप, 8वीं पास की डिग्री दिखा दो। ऐसा कोर्स बता देते हैं कि चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी इनका कोर्स नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाएगा आपको, इनका कोर्स नहीं मिलता। मेरे भाई विकास आपको पता, सुनिए, विकास तो देश का हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। स्विगी पे जो बाइक से डिलीवर करता था ना, वो आज साइकिल पे डिलीवर कर रहा है, तो इससे बढ़िया विकास क्या होगा, इससे बड़ा विकास क्या होगा? आप सुनिए, आप लोगों को लगता है, उस आदमी से जाकर पूछिए जो 500 रुपये ही दिन के कमाता है, और अगर वो उस 500 रुपये में 300 रुपये का पेट्रोल भरवा लेगा तो उस पर विकास कहाँ से होगा?
आप अगर एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा विकास कहाँ है। वो सभी बच्चों का नाम उत्तर प्रदेश में, वो एक कानून भी जारी कर देगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका नाम विकास ही रखा जाएगा। फिर विपक्ष वाले विकास की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कहेगा विकास तो कहेगा लो जी ये रहा उत्तर प्रदेश में ही है सारा विकास, और कहीं विकास ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम आया तो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है नाम, तो पहली बार घटी है। गुंडा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां का मुख्यमंत्री जो टसुए बहा देता है खड़े होकर कि मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, देश के नेता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अबे जब देश के नेता अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की कहां से करेंगे और देश की जनता की कहां से करेंगे। इनों से अपनी सुरक्षा नहीं हो रही, आए दिन कोई नेता कोई ना कोई नेता आके बयान दे देता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई मेरी जान को खतरा है। तो आप अपनी सुरक्षा कर लो ना पहले, जब आपसे कुर्सी नहीं संभल ली तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ले लेंगे तो आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी पे तो चिपके हुए थे, इस्तीफा क्यों है? कुर्सी तो बड़ा मुश्किल से मिला है, चिपक गया है कुर्सी। मुश्किल से कुछ नहीं मिला है, सुनिए मेरी बात, कुर्सी से जैसे इन्हें बिठाया गया है ना वैसे हटा भी दिया जाएगा। ये जो 24 घंटे ढोंग धतूरा रचते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो कि जिस देश का रुपया 2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उसके देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी कथनी और करनी के अनुसार आज देश का रुपया गिर रहा है तो आपकी इज्जत गिर रही है क्या, ये बताइए ना आप मुझे। भाइयों बहनों, चीन आता है पिकनिक मनाता है लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं, विदेश मंत्री वहां चाइना जाते हैं और कहते हैं बीजिंग का शहर बहुत ही बढ़िया है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ, ये इंटरनेशनल भिखारी कहाँ खो गया, ढूंढो तो कोई से। भैया ऐसा भिखारी तू देश की जनता को बना दे। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद नंगा रहकर देश को वस्त्र पहनाए, और ये एक इंटरनेशनल गरीब और फकीर है जिसने दुनिया के कपड़े छीन कर खुद ने 10 लाख का सूट डाला, ये इंटरनेशनल फकीर है। एक वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज़ चैनल पे, उसकी आंख ही नहीं खुलती, उसकी तो आंख ही खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर ऐसे कर कर यूं टांग पे टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपये पेट्रोल चाहिए, किसे वोट देंगे, जो आपको 35 रुपये पेट्रोल देगा उसे देंगे या 70-80 रुपये वाले को देंगे। अबे भैया काणे, एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है क्या? और सुनिए, इनके अंधभक्त इनसे भी बड़े कलाकार हैं। कल एक रास्ते में मिल गया जाते हुए, मैंने कहा मेरे भाई देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सोचो देश के लिए कैसे लोगों का खर्चा चलेगा। तो मुझसे कहता है तो भाई तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मोदी जी ने देश को फिट करने के लिए फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया है जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग पैदल चलें और फिट रहें, लोगों का पेट बाहर ना आए, तो ये फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, कलाकारों की हमारे देश में कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, इनसे पूछो आत्मनिर्भर होता क्या है, क्या होता है आत्मनिर्भर? आपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया और ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जुमला पार्टी की सरकार, भारत के भाषण जीवी की सरकार, भारत के बेंचू जीवी की सरकार, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की सरकार, जिन्हें हमने समझा था लीडर वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश को बेचने में लग रहे हैं, जो समझते हैं कि इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में धर गया था कि बेचते जाओ बेचते जाओ, आप ये समझिए ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शहीदों की ही पेंशन में कटौती कर देते हैं, देश के जवानों की पेंशन में कटौती करते हैं। आज देश में दो प्रकार की मंडियाँ बन चुकी हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। एक बात मुझे बताइए,
आप शोरूम से नया स्कूटर खरीदने गए, नई स्कूटी खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, कार खरीदने गए, तो बाइक का दाम आप तय करेंगे या फिर वो शोरूम वाला तय करेगा? शोरूम वाला करेगा ना। तो एक बात मुझे बताइए, ये अधिकार देश के किसान को क्यों नहीं है? किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय कर सकता? जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं तो क्या है, मैं तो फकर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। अबे तू कैसा फकीर है भाई, तू लाखों रुपए का। नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं, सारी गलतियों के नेहरू जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर चाइना हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहना, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर हर चीज़ का नेहरू जिम्मेदार है। तो आप सत्ता में काय के लिए बैठे हो? आप मुजरा करने के लिए बैठे हो सत्ता में कि हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार है? आपको नेहरू को इतनी गलती नजर आती है तो नेहरू से मिलने एक बार संवाद ही करने पहुंच जाओ, नेहरू से ही संवाद कर लो एक बार ऊपर पहुंच के कि क्या क्या तकलीफें दे गया, एक बार लिस्टी दे दो देश को कि ये तकलीफ दे गया। ये उस टेलर की तरह है जिस टेलर से गलती से पजामा, पजामे की जगह कच्चा क्या कट जाए, वो कच्चे के फायदे गिनाने लग जाता है। तो ये उसी टेलर की तरह है। आप देश के किसान की हालत आज इतनी ख़राब है कि भारत देश का किसान परेशान हो रहा है, मजबूर, लाचार और असहाय बैठा है। देश में एक सेलिब्रिटी का कुत्ता क्या मर जाए, सारे के सारे नेताओं का ट्विटर हैंडल चलना शुरू हो जाता है। और अब तो इनका एक नया ऐप और आ गया है, कू। मुझे लग रहा है कि इनों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी आई है पतंजलि में कि भैया पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया जाए और पतंजलि का जो गौमूत्र है उससे ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाई जाए। समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भैया बाबा रामदेव जी नए पेट्रोल का निर्माण कर सकते हैं गौमूत्र के जरिए। देश आगे बढ़ता है, ये वापस देश को बैलगाड़ी पर ला रहे हैं। समझ रहे हैं, आज देश में इन्होंने देश को वापस बैलगाड़ी पर ला दिया। किसान यहाँ शहीद हो रहा है प्रोटेस्ट में, जवान वहाँ सरहद पे शहीद हो रहा है, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, और ये चीन के साथ झूला ही झूलते रहते हैं और ये बिरयानी भी चखते हैं। आज भी श्रीनगर में इनकाउंटर किया गया, मतलब एक जो आतंकी था, तीन जवान को शहीद कर दिया। बिल्कुल मेरे भाई, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि सरहद पे देश का जवान शहीद हो रहा है और देश में देश का किसान शहीद हो रहा है। आज तकरीबन 85 दिन से ऊपर हो गए हैं, देश के किसान की नहीं सुनी जा रही है, वहाँ जवान की नहीं सुनी जा रही है, देश का युवा परेशान है, हर एक व्यक्ति वर्ग परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी व्यस्त हैं अपने चुनावी प्रचार में। वो प्रधानमंत्री मोदी, वो भाजपा की सरकार जो आई है तो पुलवामा के कारण, वरना ये देश में नहीं आती। आज आपको और हमें सोचना होगा कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में, शासन में बिठाया है। सत्ता शासन एक अपनी जगह है। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय बड़े विनम्र शब्दों के साथ दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान की ओर से आपसे माफ़ी मांगने चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो भी हम आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन आप इस कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि इस कृषि कानून के चलते 200 से ज़्यादा परिवारों ने अपने मेन हेड मेंबरों को खो दिया है। जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो उनके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं आ रही है, उनके पास कोई मदद नहीं आ रही। तो आप सोचिए, इस पे विचार विमर्श करिए और देश के किसान को वापस जल्द से जल्द उसके खेत में पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जी।